व्हाट्सअप फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप आप सब बढ़िया हो। तो आज के इस वीडियो में मैं फाइटर मूवी का रिव्यू करूंगी। मूवी के स्टारकास्ट में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर। स्क्वाड्रन शमशेर पठानिया उर्फ पैटी इज वन ऑफ द बेस्ट फाइटर पायलट्स। वो बेस्ट है लेकिन अक्सर जोश में अपने साथियों को खतरे में डाल देते हैं। तो क्या होता है जब उनके एक गलत फैसले से उनके दो साथी फाइटर पायलट्स दुश्मनों के हाथ लग जाते हैं। टू टेल यू द ट्रूथ, पूरे मूवी में मैं सिर्फ और सिर्फ ऋतिक को ही देख रही थी। उन पर से मेरी नजर ही हटी रही थी। आई वॉज कम्प्लीटली टोटली मेस्मराइज बाय ऋतिक। ऋतिक एज शमशेर पठानिया इज अ ट्रीट टू द आईज। ऋतिक का धमाकेदार एंट्री, ऋतिक का सुपर कूल एटीट्यूड, हिज डायलॉग डिलीवरी, हिज फिजिक, एवरीथिंग इज ए वन इन दिस मूवी। ऋतिक के एंट्री पर ऐसी सीटियां बजी है थिएटर में कि क्या बोलू। सच में ही लुक्स टोटली डैशिंग। ही स्टील्स योर हार्ट राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीन अंटिल द एंड। ऋतिक और जो एरियल एक्शन सीन्स है आर द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी। इन दोनों के वजह से पिक्चर पूरा पैसा वसूल है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो ऋतिक ने बढ़िया काम किया है, स्पेशली इन द इमोशनल सीन्स। आप सोचोगे कि मैं बस ऋतिक ऋतिक की माला जप रही हूं, कब से दूसरों के बारे में बात ही नहीं कर रही हूं। तो लेट्स टॉक अबाउट द अदर एक्टर्स टू। दीपिका से बेटर चॉइस हो ही नहीं सकता है स्क्वाड्रन मिनी के रोल के लिए। शी इज अनडाउटेडली द परफेक्ट चॉइस फॉर द रोल ऑफ स्क्वाड्रन मिनी। उफ, द ईज विद विच शी प्लेज विनी'स कैरेक्टर सिंपली वाव। एक तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि शी लुक्स लाइक शी इज मेंट फॉर एक्शन रोल्स। और यार ऋतिक दीपिका का जो केमिस्ट्री है स्क्रीन पर आग लगा देती है। बोथ सिजल ऑन स्क्रीन वेन टुगेदर, दे लुक सो सो गुड टुगेदर। अनिल कपूर, who plays their CEO, is at the top of his game even at this age. Nothing new about it. We already know that Anil ji is an evergreen actor. Another actor who surprised me kind of is Karan Singh Grover. He is surprisingly cute in this movie. I have never been a fan of Karan Singh Grover. Lekin surprisingly, he is good in this movie. He has his cute moments. Squadron leaders ki jo dosti hai, that has been captured well. Film ka music bhi kafi acha hai. जो एरियल वॉर दिखाया है वो सच में काफी इम्प्रेसिव लगा मुझे। इट्स समथिंग डिफरेंट दैट वी गेट टू सी। काफी एक्साइटिंग थ्रिलिंग लगे मुझे वो सीन्स। और क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच की लड़ाई दिखाई गई है इस फिल्म में, ऑब्वियसली द फिल्म डिस्प्लेस पेट्रियोटिज्म। बट दिस मूवी इज नॉट ओनली लिमिटेड टू पेट्रियोटिज्म, इट्स नॉट ओनली अबाउट द कंट्री, इट्स ऑल्सो अबाउट रिलेशनशिप्स। दोस्ती, प्यार, रिश्ते नाते, सभी एंगल्स को ये मूवी एक्सप्लोर करती है। सिद्धार्थ आनंद ने सच में बहुत बढ़िया मूवी बनाई है। एंड जी हाँ, यू हैव टू वॉच दिस मूवी इन द थिएटर्स टू एक्सपीरियंस द थ्रिल। ओटीटी पर मजा नहीं आने वाला। यस, आई डू रेकमेंड दिस मूवी, प्लीज टू वॉच इट इन द थिएटर्स। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ द मूवी फाइटर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।